हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में गर्मा गर्म कचौड़ी, वो भी दाल वाली। तो देखिए, हमने गर्म गर्म कचौड़ियाँ बनाई हैं, चटपटी चटपटी, जो कि हम नाश्ते में आज बच्चों को खिलाने वाले हैं। तो ये कैसे बनेगी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने दाल को भिगो दिया था रात में। हमने ली थी चने की दाल और मूंग की दाल। तो देखिए, हमने भिगो ली थी और इसको छौंक दिया है। हमने छौंक कर हमने इसको पका लिया है, नमक मिर्च मसाला भी डाल दिया है। और देखिए, अभी ये हमारी दाल पक चुकी है। जब हम इसको दबा के देख रहे हैं, ये पक चुकी है। अब इसको हम उतार लेंगे और उतारने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये कचौड़ी, आलू कचौड़ी आप लोगों ने खाई होंगी, लेकिन आज ये दाल की कचौड़ी भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो हम इसको ठंडा होने पर पीस लेंगे और हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। थोड़ा सा दरदरा दरदरा हम इसको पीसेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो दरदरा हम पीस के इसको रेडी कर लेंगे। ये स्टफिंग है हमारी, जो कि हम भरेंगे आटे में। तो देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, नॉर्मल दरदरा किया है। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ी सी दबी दबी सी आ रही होगी। तो सर्दी हो गई है, जिस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है और गला भी हमारा भारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाल अच्छे से पिस चुकी है और अब हम आटा तैयार करेंगे। आटा हम जैसा रोटी बनाते समय लेते हैं, उसी तरह का आटा लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट आटा हमें नहीं लेना है, मुलायम आटा लेना है। तो हम फटाफट से आटा भी सान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते जाएंगे आटे में, आटा हमारा गूंद कर रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिए फ्रेंड्स, नहीं तो आटा आपका गीला हो जाएगा, तो आपकी कचौड़ियाँ भी नहीं बनेंगी और आपकी रोटी भी नहीं बन पाएंगी इस आटे से। तो आटा आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही सानेंगी, जैसे सानती हैं। कचौड़ी के लिए थोड़ा आटा हमारा सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट आटा हम सान लेंगे तो फिर हमारी रोटियाँ अच्छे से, हमारी कचौड़ी अच्छे से नहीं भरते बनेंगी। तो इसलिए हमको मुलायम आटा ही लेना है। तो इसलिए हम मुलायम आटा लेंगे और खूब अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। जब हम गूंथ लेंगे आटा अच्छे से, तभी हमारा आटा अच्छे से रेडी होगा और हमारी जो कचौड़ियाँ बनेंगी वो फूलेंगी भी। तो इसलिए आटे को हमको खूब अच्छे से गूंथना है, ताकत लगा लगा के, पानी छिड़क छिड़क के हम इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारा आटा बस 2 मिनट में रेडी होने वाला है। सर्दी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी ठंडी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे भी बीमार हो गए हैं और हमको भी सर्दी लग गई है। मौसम चाहे जैसा हो, लेकिन सवेरे उठ के नाश्ता तो बनाना ही रहता है, किचन के सारे काम भी करने रहते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा आता है, इसी वजह से सर्दी लग गई है। सर्दी में काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। तो देखिए, आटा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो रहा है और अब हम कचौड़ी भरेंगे। तो देखिए, कचौड़ी हम किस तरह से भरनी है। कचौड़ी भरना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप आलू की कचौड़ी बनाती हैं उसी तरह से आपको दाल की भी कचौड़ी बनानी है। उसी तरह से आप लोई काटेंगी, छोटी सी रोटी भी बनाएंगी और उसी में आपको दाल भरनी है। तो देखिए हम कैसे भरेंगे। आप चाहें तो इसको बेलन से भी बड़ा कर सकती हैं और चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। तो ये हम हाथों से बढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो बेलन से भी बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, हमने ये कटोरी टाइप की बना ली है आटे की और इसी के अंदर हमने स्टफिंग को भर दिया है। ये हमारी दाल है जो हमने पीसी थी और अब हम इसको अच्छे से बंद करके, और ये देखिए हम बेलन की मदद से इसको बड़ा करेंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ी, ये देखिए बन गई है। अभी हम
हमारा तेल जब तक गर्म होगा तब तक हम और बना लेंगे। तीन चार कचौड़ियाँ हम बना कर रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे, तेल में तलेंगे। तो देखिए अभी हमारी कचौड़ी बन रही है। इसी तरह एक एक करके आपको सारी कचौड़ियाँ बनानी है। और दो से तीन कचौड़ी होने के बाद हम इसको तेल में तलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको दही के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, या इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से हमने कचौड़ी बनाई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।